उफ, इतनी गर्मी। मम्मी थोड़ा रसना बना दो ना। नहीं बन सकता रसना। क्यों नहीं बन सकते? खत्म हो गए क्या? नहीं खत्म नहीं हुए हैं। तो फिर क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि घर में पानी नहीं आ रहा है। पानी क्यों नहीं आ रहा है? मुझे क्या पता, मैं कोई म्युनिसिपैलिटी में थोड़ी ना काम करती हूँ। एक तो इतनी गर्मी है, ऊपर से पानी भी नहीं आ रहा है। ये सब ना हमारी ही गलती है। हम इंसान इतना पानी वेस्ट करते हैं ना, इसलिए हमारी हालत ऐसी हो गई है। कपड़े धोने हैं, खाना बनाना है, पता नहीं कैसे होगा सब कुछ। घर में एक बूंद पानी नहीं है। अब टेंशन लेके क्या फायदा? जब बचाना था पानी, तब तो बचाया नहीं। आप कितनी बार खाना बनाते टाइम नल खुला छोड़ देती हो? वो तो कभी कभी, लेकिन उससे क्या होता है। यही तो गलत सोच है। कभी कभी से कब आदत बन जाती है पता ही नहीं चलता। इस चक्कर में कितनों को पानी नहीं मिलता है। आज हमारे घर में सिर्फ एक दिन पानी नहीं है तो आज हमारी ऐसी हालत है। तो सोचो जरा उनका क्या होता होगा जिनके घर में हफ्तों तक पानी नहीं आता, और किसी किसी को तो पीने तक का पानी नहीं मिलता। हमारे पास पानी की सुविधा है, इसलिए हम इसकी कीमत नहीं समझते। लेकिन जिनके पास पानी नहीं है, वो समझते हैं इसकी असली कीमत। अगर हर घर से सिर्फ एक बाल्टी भी पानी बचे ना, तो किसी जरूरतमंद के काम आएगा। आज भी कितने सारे गांव हैं जहां औरतों को 15 से 20 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है सिर्फ पानी भरने के लिए। और हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे पानी वेस्ट कर रहे हैं। मम्मी, हम लोग एक दिन बिना खाए रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी के नहीं। हाँ बेटा, तुम सही बोल रहे हो। आज से मैं पानी वेस्ट नहीं करूंगी। पानी आ गया, पानी लो। पानी भी आ गया, अब तो जाके रसना बना दो। हाँ लाती हूँ। आओ हम सब मिलके पानी बचाएं, क्योंकि जल ही जीवन है। सेव वाटर, सेव लाइफ। अरे बेटा सुनना तो। हाँ आया मम्मी।